हे गाइस, बड़ी बेफर एंड प्रोमिस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस के। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत बेहद ही खास वीडियो लेके आऊँ और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग भी न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें कि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मेरे न्यू वीडियो का मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों जो मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ इधर भी बहुत दिनों से, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मैं बिजी था और थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा लेआउट और सेंसिटिविटी की, फोर फिंगर के लेआउट को कैसे सेटअप करें और फाइव फिंगर की लेआउट को कैसे सेटअप करें, जो कि मैं खुद खेलता हूँ फाइव फिंगर से। और उसके बाद बात करेंगे सेंसिटिविटी की। तो चलिए पहले मैं लेआउट के बारे में बात कर लेता हूँ, और वो भी फोर फिंगर के लेआउट के बारे में। तो जैसा कि अभी ये देख रहे हैं, ये लेआउट वन जो है वो फोर फिंगर का लेआउट है। ये पूरा लेआउट आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो लेआउट है, यहाँ पे स्कोप है, ये ऊपर में आपका मैप है, ये सारी चीज़ें, ये फोर फिंगर का लेआउट मैंने सेटअप किया हुआ है। और जो मैं फाइव फिंगर का लेआउट जो जिससे मैं खेलता हूँ खुद, वो ये है फाइव फिंगर का लेआउट जिससे मैं खेलता हूँ खुद। ओके गाइस, तो ये हो गया लेआउट के बारे में। और लेआउट के बारे में बात है सेंसिटिविटी। अब गाइस, सेंसिटिविटी ध्यान से देखिएगा। कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक जो होता है वो उसका है ये। जब आप बिना स्कोप के जो मूवमेंट उबेंट करते हैं, गन को पीछे रख के जब मूवमेंट करते हैं, तब के लिए। उसके बाद फिर ये कैमरा सेंसिटिविटी है, जब आप पूरे स्कोप ओपन करते हैं या गन लेके मूवमेंट करते हैं, तब का ये पूरी सेंसिटिविटी है। उसके बाद एडीएस सेंसिटिविटी, ये सारी है, ये पूरी एडीएस सेंसिटिविटी है, रेड डॉट 2x और इसकी। और उसके बाद फिर आती है जैरो की। जब आप फुल जैरो अगर कोशिश करें कि आप फुल जैरो करके खेलिए, और जब फुल जैरो करके खेलेंगे तो ये सेंसिटिविटी बहुत ही बेटर सेंसिटिविटी है। अब गाइस, आती है बात कि आप इस सेंसिटिविटी और लेआउट पे अगर आप शिफ्ट करोगे, फोर फिंगर शिफ्ट करोगे या आप सीधे फाइव फिंगर शिफ्ट करोगे, तो आपको थोड़े दिन तक तो प्रॉब्लम होगी लेआउट के ऊपर हाथ बैठाने में, और प्लस चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम करेंगी। अगर आप फुल जैरो पे खेलोगे तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जैरो पे कि जैरो से कैसे आपका मूवमेंट और ये, और आप लेआउट पे कैसे हाथ बैठ आपके पूरे हाथ परफेक्टली बैठे, उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। और गाइज, ये जो लेआउट और सेंसिटिविटी है, इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप थ्री फिंगर या टू फिंगर से आप शिफ्ट करते हो फाइव फिंगर और फोर फिंगर पे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ट्रेनिंग मोड की। और उसमें ट्रेनिंग में जाके आपको क्या क्या करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो ठीक है गाइज, ये रहा एक सिंपल सा वीडियो लेआउट और सेंसिटिविटी का। और जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे ट्रेनिंग मोड में जाके मूव्स और सब कुछ ओपनली मैं बता दूंगा, जिससे थोड़ा और इम्प्रूव कर सके आप अपने लेआउट्स को और इस सेंसिटिविटी पे गेम प्ले को। और इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमें बताएगा कि आपको किस चीज़ पे पबजी के किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।